ये है नेहरू इंटर कॉलेज। जी सही सुना आपने, नेहरू इंटर कॉलेज। लेकिन इस इंटर कॉलेज की हकीकत क्या है हम आपको दिखाएंगे। क्या पढ़ाएंगे यार, क्या दिखाएंगे, ये ब्लैक बोर्ड की हालत है। इस बार जब बारिश हुआ है उसके वजह से खराब हो चुका है, तो यह सरकार यहाँ कुछ देती नहीं है। लेकिन आपको तरस नहीं आता बच्चों के ऊपर? अगर आपका कोई बच्चा, क्या आप ऐसे हालात में उसको स्कूल में पढ़ाएंगे? तो ये उत्तर प्रदेश है जहाँ का चुनावी बिगुल इस वक्त बजा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर नेता वादे और दावों के बीच में वोट मांग रहे हैं, और इस तरफ हेलीकॉप्टर का भी शोर है जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रण में उतरकर वादे और दावे कर रहे हैं, विकास की दुहाई दी जा रही है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश की चुनावी भीड़ से दूर हम यहां पर बिल्कुल जहां पर रैली चल रही है उसके बगल में मौजूद हैं। आप कहेंगे रैली वहां चल रही है, आप बगल में क्यों मौजूद हैं? तो उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर विकास की मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और ये विकास की तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं ये है कुशीनगर, और कुशीनगर के पटरोना सीट जहां पर इस वक्त नेहरू इंटर कॉलेज में अखिलेश यादव के समर्थन में एक रैली चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं जरा शिक्षा के स्तर की जमीनी हकीकत आपको दिखाता हूं, जहां पर दावे किए जाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने ग्राउंड जीरो पर काम किया। लेकिन किस सरकार ने कितना काम किया, खबर देखकर मैं तो हैरान हो गया, और हमसे भी रहा नहीं गया, हमने चाहा कि आपको क्यों ना दिखा दे वो हाल। और अपने सहयोगी सरताज से मैं कहूंगा कि जरा ये तस्वीर दिखाइए बानगी, और अभी ग्राउंड जीरो पर हम आपको अंदर लेकर चलेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। ये है नेहरू इंटर कॉलेज। जी सही सुना आपने, नेहरू इंटर कॉलेज। लेकिन इस इंटर कॉलेज की हकीकत क्या है हम आपको दिखाएंगे, और मेरे साथ इस वक्त खुद इसी इंटर कॉलेज में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं मेरे साथ हरीश जी, जो कि खुद न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के एडिटर इन चीफ हैं। और यहाँ जब हम पहुँचे तो हम भी इस हकीकत को देखकर हैरान हो गए। हरीश जी, ये है असली विकास। जी विकास की जहाँ बात हो रही है, और हम उस विकास को जब ढूंढने आए तो हमारे को एक तरह भीड़, रैली, ये सब दिखा हेलीकॉप्टर द्वारा। नेताओं ने जो अपनी एंट्री की हेलीकॉप्टर द्वारा, मगर जिस चुनाव को लेकर, जिस मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, मुद्दा क्या था, शिक्षा का मुद्दा क्या था, स्वास्थ्य का। शिक्षा आपके बगल में दिख रही है, आपने देखा स्कूल खाली है, और हमारे पीछे कुछ बच्चे जिनका शिक्षा से मेरे को लगता है दूर दूर तक कोई नाता भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, इनका भविष्य क्या होगा, किस तरह का भविष्य होगा इनका, जब स्कूल का भविष्य आपके सामने है जो जर्जर हालत में है, और इंटर कॉलेज कहा जा रहा है इसको, तो मैं तो बड़ा ही हैरान हूँ कि नेता किस 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 बेस पे ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कौन से वादे ये पूरे किए इन लोगों ने। पिछले 5 सालों में हुआ क्या है वो विकास भी आपके सामने है। मैं किसी पार्टी को नहीं, मैं जनता की बात करूँगा। पार्टी आएंगी, वादे करेंगी, फिर से इन जनता का सोचिए। ये जो जनता है यहाँ पर आज वोट देने के लिए या इनके समर्थन में यहाँ खड़ी है जी, और स्कूल की हालत इनके बगल में, क्या ये जनता इनको ये नहीं दिखा सकती कि आइए नेताजी, चलिए जरा हमारे स्कूल तो चलिए, इस स्कूल की स्थिति तो देखिए, बैठने के लिए बेंच ढंग की नहीं है, स्कूल में खिड़की दरवाजे नहीं है। मास्टर तो शायद होंगे क्योंकि तनख्वाह सरकारी पाते हैं तो ज़रूर होंगे, पर वो दिखाई नहीं देते। आज स्कूल शायद बंद है, किस कारण से बंद है ये भी ढूंढेंगे हम, पर अंदर से स्कूल की व्यवस्था आप जरूर दिखाइएगा कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पूर्वांचल, जहाँ से बड़े बड़े राजनेता बने, जहाँ से बड़े बड़े मुख्यमंत्री दिए इन्होंने, उस उत्तर प्रदेश की हालत ये है। तो क्या क्या समझे, किस कौन से विकास को, आज हमारी आंखों में आंसू हैं इस उत्तर प्रदेश को देख के। अच्छा ये जो नोनी हाल है, जरा मैं क्योंकि अभी आपको इस इंटर कॉलेज की तस्वीर दिखाऊं, बेटा इधर आओ, ये पता क्या है, ये यहाँ कभी पढ़ाई कर देखे हो बच्चों को पढ़ते हुए? हाँ। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? हाँ आते हैं यहाँ। कभी पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं। पढ़ने जाते हो? जी सर। कौन सी क्लास में बेटा? फोर्थ क्लास में। पढ़ने जाते हो? जी सर। अच्छा, ये नोनी हाल है, मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो की तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और वो ग्राउंड जीरो की तस्वीर बाकी हैरान करने वाली है। और
ये देखिए, ये सरकारी स्कूल और सरकारी इंटर कॉलेज की ये तस्वीर है। अच्छा, इसमें एक दिखाने वाली दिलचस्प तस्वीर मैं दिखाऊंगा, ब्लैक बोर्ड दिखाऊंगा आपको। ये ब्लैक बोर्ड की हालत है, आप देखिएगा, ये ब्लैक बोर्ड की हालत है। शायद लिखने की व्यवस्था भी पूरी सही नहीं है, तो क्या पढ़ाएंगे और क्या दिखाएंगे। ये ब्लैक बोर्ड की हालत है। आप इस स्कूल से हैं, तो मास्टर जी हैं आप? नहीं। हाँ जी, प्रचारक हैं। तो कैसे इस स्कूल की व्यवस्था इस सरकार ने की है, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये बच्चों का भविष्य इसमें दिखाई दे रहा है कहीं? ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, जो डार्क ब्लैक बोर्ड बोला जाता है, भविष्य दिखाई दे रहा है? नहीं था, ठीक ना? इस बार जब बारिश हुआ है उसके वजह से खराब हो चुका है। अच्छा। अभी इसके बाद नए सत्र से इसको पेंटिंग किया जाएगा। पेंट हुआ था, क्योंकि खराब हो गया है, पेंट इसका झड़ गया है, इसलिए इस तरह दिखाई दे रहा। अच्छा, आज स्कूल क्यों बंद है? यहाँ स्कूल तो 20 तारीख से बंद है, तो गिरित है, यहाँ फोर्स आके रहेगी, इसके वजह से विद्यालय बंद है। विद्यालय इलेक्शन की वजह से बंद है। चलिए जी जी, मुझे दिखाई दिया कि ऊपर माता सरस्वती है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद ब्लैक बोर्ड, और इसके साथ ये बानगी कुछ और हालात तस्वीर। और एक बात और समझना चाह रहा था, यहाँ लिखा हुआ था सत्यमय जयति, ये भी खत्म हो गया, सत्यमय जयति। एक ये लिखा हुआ कि कर्म ही पूजा है, और कर्म ही पूजा है, ये भी देखिए। सत्य बोलो सर, सत्य बोल दीजिए। कहाँ गए भाई साहब? एक प्रचारक जी आइए ना, आपसे जानना चाह रहे थे, ये आपने वो लिखा सत्य बोलो, तो सत्य बोल दीजिए ना, कि मतलब क्यों ऐसी स्थिति है यहाँ पर? स्थिति ठीक था, क्योंकि अभी ये ठीक है, अभी तो विद्यालय कितना दिन से चल रहा है, इसके पहले तो कोरोना काल की वजह से बंद था। अच्छा अच्छा, ये पेंट वेंट हुआ था सब इसको। अच्छा, पेंट हुआ था जी? पेंट हुआ था, अभी भी ये पेंट हुआ था? हर साल पेंट होता है, ठीक ना? और अब इसके चुनाव के बाद 21 तारीख को यहाँ कार्यक्रम होता है, स्वर्गीय पंडित नरेंद्र शुक्ल जी की जयंती मनाई जाती है, उस दौरान पूरे विद्यालय को सफाई किया जाता है, पूरा पेंट होता है। अच्छा, अभी दो चार दिन के बाद जब चुनाव बीत जाएगा तो इसको पेंट किया जाएगा। तो तब तक बच्चे नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं? नहीं तो कहाँ, यहाँ ऐसी स्थिति में पढ़ते हैं? नहीं, अभी 20 तारीख से कह रहे हैं बंद है विद्यालय, इसके वजह से स्थिति। अच्छा, ये हवादार बना रखा है। 20 तारीख से विद्यालय बंद है, आज तारीख कितनी है जी? कितनी तारीख? 24 है। चार दिन में स्कूल की हालत ऐसी हो गई? चार दिन में ऐसी हालत हो गई जी? अरे वाह मेरे भाई, शिक्षा की हालत ऐसी है चार दिन में आपने बोल दिया। सरकार भी तो यह सरकार है, यहाँ कुछ देती नहीं है। सरकार कुछ देती नहीं है, यही तो बात कीजिए। वेतन के अलावा सर, सरकार इस विद्यालय में कुछ नहीं देती है, जो भी खर्च होता है प्रबंधक प्रिंसिपल और यहाँ के लोग, बच्चे के फीस से ही सब कुछ होना। अच्छा, है एक काम लिखवा सकते हैं आप यहाँ पर एक और लिखवा सकते हैं, दिया तले अंधेरा, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया तले अंधेरा। नहीं, दिया तले अंधेरा नहीं, नहीं। क्यों? वो लिखना ही नहीं है उसको ना, दिया तले अंधेरा भी लिख सकते हैं ना, जैसे कर्म ही पूजा है, माता सरस्वती जी भी है, लिख दीजिए दिया तले अंधेरा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बच्चों का भविष्य क्या होगा, देखिए ना, आपको तरस नहीं आता बच्चों के ऊपर, कैसे पढ़ेंगे वो? चार दिन में ब्लैक बोर्ड खराब है। आपके पास चौक है? चौक है, लेकर आएंगे? प्रिंसिपल साहब भी हैं बगल में। कहाँ है प्रिंसिपल साहब? आइए आइए, प्रिंसिपल साहब को भी मिलवा रहे हैं, आइए ना। तो ये प्रिंसिपल साहब का रूम भी मिल गया हमें, अब प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं कि आखिरकार ऐसी स्थिति ये इंटर कॉलेज की क्यों है, क्यों आखिरकार दिया तले अंधेरा है? क्योंकि इसी पूर्वांचल से, जैसे कि हरीश जी ने बताया कि बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले हैं, मुख्यमंत्री तक बने हैं। सर, हमारी प्रिंसिपल साहब महोदय से बात हो जाएगी? सर जय हिंद। हम यहाँ आए हुए थे, दिल्ली से आए थे, और दिल्ली से हम आए तो कवर करने आए थे हम, और हमने देखा कि इससे बड़ी खबर तो ये है, ये इंटर कॉलेज, ये नेहरू इंटर कॉलेज है। प्रिंसिपल साहब महोदय, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस इंटर कॉलेज में यही व्यवस्थाएं हैं जो हम देख रहे हैं, या फिर? नहीं, व्यवस्था पहले बहुत अच्छी थी जी, आज जो आप देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में, क्योंकि प्रधानाचार्य और प्रबंधक के बीच में कुछ मतभेद है, उस मतभेद को लेकर के सकारात्मक सहयोग न होने के कारण यह बदहाल व्यवस्था आपको दिख रही है। जैसा कि प्रयास किया जा रहा है और निरंतर ये नहीं रहेगा, इसमें सुधार हो जाएगा। नहीं, सुधार तो हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे थे कि इंटर कॉलेज के अंदर ही ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर माता सरस्वती की तस्वीर है, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड में बच्चों का भविष्य ब्लैक दिखाई दे रहा है।
हमारी चिंता इस बात की है कि सरकार ने दावे किए धरातल पर, और हमें तो लगा कि क्योंकि हमारा मकसद ये है कि ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाएं। अब ऐसी स्थिति में क्या आपने कभी ये सोचा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ, बुरा लग रहा है मुझे भी, क्या अगर आपका कोई बच्चा, क्या आप ऐसे हालात में उसको स्कूल में पढ़ाएंगे? संसाधन जो भी है उस संसाधन में हम पढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और जो हम संसाधन, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इस व्यवस्था में? पढ़ाएंगे। पढ़ते हैं आपके बच्चे? पढ़ते हैं जी, इसी व्यवस्था में? व्यवस्था विद्यालय की जो व्यवस्था होती है सर, उसमें हम भेजते हैं। हाँ, सर मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आप विद्यालय की जो व्यवस्था होती है। सर नमस्कार, मैं हरीश हूँ और हम आप हमारे गुरुजन हो, आप ही ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आज माइक पे हम सवाल पूछने लायक हुए हैं, आपकी वजह से ही हुए हैं, और आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपने हमेशा हमारे प्रश्नों को उत्तर दिया है, आप रहे, आपके जो भी रहे, आप गुरुजन हमेशा एक ही रहा है, गुरु की पूजा हमेशा से एक जैसी हुई है। आज हमें आप लोगों की स्थिति देखते हुए आंखों में हमारे आंसू हैं कि हमारे गुरुजन कैसे पढ़ा रहे होंगे इस व्यवस्था में, आप फिर भी बोल रहे हो कि हम पढ़ा लेंगे। नहीं, आपके माइक अगर मैं आपके माइक में अगर आपके मुंह पे न लगा के आपके दिल पे लगा पाता तो शायद मैं दिल की बात आपसे सुन पाता। मैं व्यवस्था दिखाना चाहता हूँ, जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे की ये व्यवस्था है। आप बोल रहे व्यवस्था ठीक है, इसी व्यवस्था में हम पढ़ा रहे हैं। यही मेरी पीड़ा यही है कि मेरे गुरु का क्या हो गया हाल। सर आप पूछ रहे हैं, जवाब तो देना ही है। हाँ जी, पीड़ा चूंकि प्रबंधकीय विद्यालय है, प्रबंधक और प्रिंसिपल जो लोग होते हैं, तो मैनेजर और प्रिंसिपल के अगर मान लीजिए सहमत एक होती है तो व्यवस्था सही हो जाती है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल और जब मैनेजर में मतभेद है तो वहाँ पर कहीं से न कहीं से कर्मचारी प्रभावित होते हैं, जिसे हम चाह करके भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए पत्राचार जो है कि व्यवहार होता रहता है, लेकिन यह जो है नियम कानून और अधिकारियों के बीच में देखिए अपना उलझा रहता है। सर गर्मी का समय आने वाला है जी, और पंखा गायब है जी। सर इसके लिए कई पत्र गया है सर, पंखे के लिए पत्र गया, बताइए। मात्र 700 रुपए का पंखा, उसके लिए कितने पत्र जी? मात्र 500 रुपए की बेंच, कितने पत्र? नहीं नहीं सुन लीजिए, पत्र का मतलब ये है कि हम कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं, काम जब कर रहे हैं तो प्रधानाचार्य का वेतन मिलना चाहिए, लेकिन हम प्रबंधक जी के द्वारा कि हम नहीं देंगे, प्रधानाचार्य का जो वेतन है नहीं मिलेगा, प्राचार्य का जो वेतन, प्रवक्ता का जो वेतन है उसमें मिल रहा है, ठीक ना, उसमें या तो हम पूरा विद्यालय चलावें या तो अपने परिवार को चलावें, तो यहाँ तो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं से जूझा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, आपके मंच पे मंत्री जी आए हुए हैं, पूर्व मंत्री जी, और पूर्व भी कितने दिन पहले हुए हैं, कितने दिन पहले पूर्व मंत्री हुए हैं, उन्हीं का क्षेत्र है ये, उन्हीं का क्षेत्र है जी। और ऐसी बात नहीं है, मंत्री जी विद्यालय में पैसा भी दिए हैं, ठीक ना, काम भी लोग कराए हैं, हमारे समय में नहीं दिए हैं, पहले भी दिए हैं, और मंत्री जी का विद्यालय में योगदान रहता है, कहीं भी रहता है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ जी सर। अच्छा गुरु जी एक बात बताइए, देखिए मैं समझ रहा हूँ आप भी भावुक हो रहे हैं, और हमारा इरादा आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, हम सिर्फ व्यवस्था दिखा रहे हैं जी, जी। हम सिर्फ व्यवस्था दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारे हरीश जी ने भी कहा ये बात कि आप लोगों ने हमें सवाल पूछना सिखाया, हम सिर्फ व्यवस्था दिखा रहे हैं, आपको ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि अंदर की व्यवस्था जहां पे खुद प्रिंसिपल महोदय बैठे हुए हैं, जरा इस ये स्टाफ रूम ही है, लेकिन स्टाफ रूम भी इस तरह, मैं चाहूंगा प्रिंसिपल साहब अगर आप हमारे साथ इस इंटर कॉलेज की हालत दिखा पाएं, मैं प्लीज़ गुजारिश करूंगा आपसे, आइए सर। और ये इंटर कॉलेज जहां पर एक तरफ रैली चल रही है, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा सरताज ये जरा रैली दिखाइए, मंच की तस्वीरें, यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको, और ओपी राजभर इस वक्त आ रखे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर यहां पर आ रखे हैं, लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ही क्षेत्र है, और यहीं से ही वो मंत्री बनकर भी गए, मंत्री भी बने, और आज वो यहीं पर वोट मांगने आए, लेकिन अखिलेश यादव के लिए। आप प्रिंसिपल महोदय, और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये व्यवस्थाएं जो हम देख रहे हैं, ये व्यवस्थाएं आपको मन से झकझोरती नहीं है कि इस व्यवस्था में आपको पढ़ाना पड़ रहा है, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, किस तरह से इस खंडर हालत में, देखिए ना तो कमरों की हालत वो है, और जो हम देख रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड की स्थिति, बच्चों का तो भविष्य ही अंधकार में है ना, कि नहीं प्रिंसिपल साहब? जी सर, अब व्यवस्थाएं जो आपको दिख रही हैं, तो अपने संसाधन हमने बताया
कि सहयोग चूंकि प्रबंधक का नहीं है, जो भी विकास के जो कार्य हैं वो प्रबंधक जी के सहयोग से ही होते हैं। वह कार्य प्रबंधक जी का जब सहयोग नहीं मिलता तो नहीं हो पाता है। इसलिए जो आपको दुर्व्यवस्था अगर दिखाई दे रही है सर, तो इसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक दिलचस्प और चीज और दिखी है जी, प्रबंधक श्री दुखी चौबे, ये कौन है? श्री दुखी चौबे जी स्वर्गीय हो चुके हैं जी, ठीक ना? इस समय वर्तमान में अच्छा उनका नाम दुखी चौबे था और शायद आज और दुखी हो रहे होंगे कि जिस स्कूल को उन्होंने समर्थन दिया आज उनके नाम के आगे वो मतलब कहीं ना कहीं पे जुड़ रहा है, एक स्कूल कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं बच्चों को भविष्य दिखाना चाहूँगा जी, तो बच्चों को जरा एक बार दिखाइएगा। ये बच्चे हैं जिनके हाथ में झंडे हैं, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी उनके हाथ में झंडे हैं जी, उनके पास उनके सर पे अखिलेश बाबू की तस्वीर है, वो टोपी है, सॉरी टोपी है जी। ये भविष्य है, 18 साल से पहले तो ये वोट देने लायक नहीं हुए और अखिलेश बाबू जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। शिक्षा के बारे में कब पूछेंगे गुरुजी, कब आप इनका मार्गदर्शन करोगे आप? ठीक है भैया, ये तुम्हारा समय है, ये अखिलेश बाबू जिंदाबाद करने का नहीं है। ये तो सर विद्यालय व्यवस्था के साथ साथ ये जो है पारिवारिक व्यवस्था में भी जुड़ जाते हैं बच्चे, और वहाँ से मोटिवेट हो रहे हैं तो लेकर के झंडा पताका चल रहे हैं। हमारे तरफ से उसके लिए जो है कहीं से प्रोत्साहित नहीं किया गया है कि आप जो है कि रैलियों में जो है प्रतिभाग करें, और चूंकि वो समाज के सामाजिक प्राणी होने के नाते उसमें अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हम नहीं कुछ कर सकते। अच्छा प्रिंसिपल महोदय, एक बात आपसे जानना चाहते हैं। जी जी, लगभग प्रिंसिपल महोदय एक बात आपसे जानना चाह रहे थे कि लगभग कितने बच्चे यहाँ पर, ये कौन सी क्लास की शिक्षा सर? पहले तो मान लीजिए बटा हुआ था, सिक्स क्लास लिखा हुआ है, सिक्स क्लास ये भी मिटा हुआ है, लेकिन इस बार जो है टीचर के अभाव जी, आइए आइए, टीचर के अभाव के कारण जो है अब इसमें चल नहीं पाता है सेक्शन, यहाँ तो चलने की ही जगह नहीं है। चेयर है जी, ये टीचर की चेयर है, तो यहाँ कैसे प्रिंसिपल महोदय, ये बच्चे तो खैर जिस व्यवस्था में बैठते होंगे लेकिन यहाँ तो टीचर की व्यवस्था भी सही नहीं है। जी सर, ये सही बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि टीचर कुछ ऐसे हैं कि जो प्रबंधक जी के द्वारा नियुक्त हैं और सीधे सीधे वो कहते हैं कि मैं प्रबंधक को मानता हूँ, प्रिंसिपल को नहीं मानता हूँ। ऐसी दशा में आप अगर उम्मीद करें कि नहीं ये पठन पाठन किस तरह से चलता है, तो हम अपने तरफ से कह रहे हैं कि बड़ी जो है कठिनाई के साथ अच्छा, इसको ले चलना पड़ता है। शिक्षा को लेकर जब बात होती है, जब ये ये जब ये देखिए बुद्ध जिन्होंने शिक्षा को लेकर इतना करा, और आपके बुद्ध की धरती क्या क्या स्थिति है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये नेता बोलते हैं शिक्षा के ऊपर जब वोट मांगते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर जब वोट मांगते हैं, तो इनको कभी आप जब मंत्री जी को इधर लेके आते हो तो दिखाते नहीं हो? मंत्री जी के यहाँ तो हम लोग उनके आवास पर गए थे। अच्छा वो ये स्कूल की व्यवस्था देखने कभी नहीं आते? नहीं, व्यवस्था इस तरह से नहीं देखते हैं सर, कभी नहीं देखा, इस तरह से नहीं देखते हैं, नहीं कमरे कमरे में जाकर के देखें। हम लोग तो मान लीजिए यहाँ वहाँ लखनऊ में भी गए सर आपके यहाँ, और सारी व्यवस्थाएँ जो है बताए उन्होंने जो है, कब उस समय के तत्कालीन डी आई जो है उदय प्रकाश मिश्र जी थे, उनके यहाँ फ़ोन भी किए, लेकिन वह केवल इतना ही कहे जी सर यस सर हो जाएगा। लेकिन साहब यहाँ पे तो कोई बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? बिजली की व्यवस्था नहीं है सर, बिजली की व्यवस्था नहीं है। इसमें जो है अनिवार्य रूप से परीक्षाओं के समय, परीक्षा के समय ये जो है तार फैलाए गए हैं, कैमरा लगा हुआ है, वॉइस रिकॉर्डर, कैमरा तो लगा हुआ है लेकिन लाइट ही नहीं है, कैमरा चलता है? विद्युत के लिए जो है, विद्युत के लिए तार जब परीक्षा होती है तो एक तार जो है यहाँ खिंचवा करके बल्ब के सहारे जो है प्रकाश जो है दे दिया जाता है। अच्छा, सिर्फ परीक्षा में? जी जी जी, ये मतलब जी, उसके लिए जो है यह व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं विद्युत जो है ये कराया जाए, विद्युतीकरण कराया जाए। लेकिन समस्या हमारे यहाँ ये है कि 1.5 लाख रुपया विद्युत का बिल बकाया है, कनेक्शन विद्यालय का काट दिया गया है, ठीक ना? और यहाँ चुनाव में जब आए ये सेक्टर मजिस्ट्रेट, उन्होंने जाकर के आपत्ति किया। बिजली तो ठीक है लेकिन कितनी गर्मी में बच्चे पंखा भी नहीं है, बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि जो है अध्यापक आते हैं और 40 मिनट जब पढ़ाते हैं वो उब करके बाहर निकल जाते हैं, समस्याएं हैं यहाँ तो। चूंकि अगर बरसात आ जाए तो फिर खतरा होगा, ये छत कभी भी गिर सकती है, देखिए कितनी खतरनाक। हमने लिखा है कि ऐसे जो है स्लैब छोड़ रहा है, इसके बाद जो पानी टपकता है
लेकिन चूंकि हमारे मैनेजमेंट का जो है ये व्यवस्था है और मैनेजमेंट में जो है मैनेजर साहब जब तक नहीं चाहेंगे तब तक अकेले प्रिंसिपल नहीं कर पाएगा। कितने मेरे को बच्चे आपने बताया नहीं, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ? यहाँ पर 1186 जो है 9, 10, 11, 12 में है। 1186? जी सर। यहाँ इस इंटर कॉलेज में 1186 बच्चे? कारण है ग्रामीण क्षेत्र का है, चूँकि फीस यहाँ पर कम लगती है और फीस कम होने के कारण चूँकि गरीबी, हम तो यही मानते हैं कि गरीबी इलाका है, जो लोग सक्षम नहीं हैं कि कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ा सकें वो अपने बच्चों को भेजते अच्छा, हैं। मास्टर जी एक चीज़ बताएं, 1186 विद्यार्थी 10वीं 12वीं के हैं और उससे नीचे, उससे नीचे कितने विद्यार्थी होंगे? 135 लगभग कक्षा 8 में हैं। और इस विधानसभा की पूरे वोटर कितने होंगे? इस विधानसभा के कितना वोटर होगा? विधानसभा का वोटर तो सर नहीं बता रहे, विधानसभा मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ 1200-1300 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उनकी व्यवस्था क्या है? हाँ सर, वो जो और जिस बेस पे जिस बात उसके बारे में आप सुन लीजिए, क्योंकि धरातल से आप प्रश्न कर रहे हैं। धरातल ये व्यवस्था ये है कि गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, कुछ बच्चे जो है चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए। आज जो है DIS महोदय के द्वारा या परिषद के द्वारा विभाग के द्वारा बार बार मांगा जा रहा है कि EMAIL ID और जो है कि वैक्सीनेशन का रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। बच्चों के यहाँ फ़ोन किया जा रहा है तो पता चला कि बाहर हैं, ठीक ना? तो यहाँ हमारे सामने ये समस्याएं। अटेंडेंस का क्या होता है? हाँ, अटेंडेंस का उनका जो है काट दिया गया है और फिर विभाग से पूछा जाता है कि क्या किया जाए। इस तरह के बच्चे हैं तो या तो परीक्षा दिलाई जाती है, नहीं दिलाई जाती। प्रिंसिपल महोदय दूसरे कमरे में अगर आप इजाज़त हो तो चलें। चलें हाँ दूसरे कमरे में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर क्लासरूम में एक बात तो है, आपने प्रतीक सभी हैं यहाँ, भगवान बुद्ध भी हैं और अंबेडकर जी भी हैं, गांधी जी भी हैं। हाँ हम ये जानना चाहेंगे जी, चूँकि आप लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं कि लखनऊ से? हम सर दिल्ली से आए हैं, नोएडा से। दिल्ली से नोएडा से आए हैं तो इसी पर्पज से केवल निरीक्षण करने के लिए आए हैं? नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ चुनावी रैली कवर करने आए थे। अच्छा। हमने देखा कि चुनावी रैली से बड़ी खबर तो ये है। हाँ, हाँ, और हम लोग गुलाबी अखबार वाले नहीं हैं, हम सिर्फ धरातल की तस्वीर जो समस्याएं हैं ताकि जनता वो देख पाए। ये पानी जी बरसात के समय में पानी टपकता रहता है, जिसके बारे में प्रबंधक जी को कहा गया है। प्रबंधक जी जो है कहे हैं कि बाद में व्यवस्था की जाएगी, आश्वासन देते हैं, ठीक ना? तो आश्वासन देते हैं, इसके बाद इसको सुधारना होगा, सुधारेंगे। अंधेरा अंधकार है यहाँ, तो चारों तरफ अंधकार है, सब बंद है। अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब आए थे और कह रहे थे कि बूथ बने हुए हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं है। जी जी एक मिनट यहाँ जरा, जी प्लीज कंटिन्यू। जी तो उनको बताया गया कि नहीं, जो परीक्षाएं के समय जो है परीक्षा के समय वो निकाल करके तार जो है पतला वाला लगा करके और बल्ब का जो है। आपको अफसोस होता है? अफसोस होता है इस व्यवस्था को देख। हाँ अफसोस होता है सर, लेकिन कुछ कर नहीं पा। नहीं हमारे बस की बात नहीं है, जितना संभव उतना कर लेते हैं। मैं चाहूँगा स्कूल की स्थिति जो हमने दिखाई है ग्राउंड जीरो से, और आपकी आवाज़ हम चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से गूंजे जरा, और आवाम तो सुने सुने, और जिस व्यवस्था की आप दुहाई दे रहे हैं वो व्यवस्था को सुधारने वाले आपकी इस आवाज़ को सुने। और एक और क्लासरूम में मैं आपको लेकर आया हूँ, ये देखिए ये क्लासरूम है। अब सोचिए कि आखिरकार ये कैसा क्लास और कैसे रूम, और ये क्लास 6 मुझे पता चल रही है और सब्जेक्ट मैथ का। क्या अंक गणित इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहा है कि इतनी सीटें कौन जीत रहा है, कौन कितनी सीटें जीत रहा है? लेकिन इस ब्लैक बोर्ड के भीतर एक कहानी छिपी है, बच्चों के अंधकार वाले भविष्य की। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के दावे और उसकी हकीकत बयां करती ग्राउंड जीरो से। हमारी इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ इतना है कि जिन्होंने इस व्यवस्था को सुधारने के दावे किए और दावे ये किए कि हमने उत्तर प्रदेश को बदला, क्या वाकई में वो बदल पाए? क्या वाकई में हकीकत में वो अपने बच्चों को, जिन्होंने व्यवस्था सुधारने का दावा किया, वो ऐसी व्यवस्था में अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? और हम चाहेंगे क्योंकि कार्यक्रम को भी हरीश जी हमें ख़त्म करना है, यहाँ पर आपसे हमारी गुजारिश है। जी सर, हमने जैसे कि शुरू में कहा हरीश जी ने कि आप गुरु हैं, गुरु को कर्तव्य मार्ग दिखाना होता है। जी, और मैं चाहूँगा आपसे कि आप इस मंच के माध्यम से, हमारे इस मंच के माध्यम से सरकार से एक अपील, एक गुजारिश, एक मार्मिक अपील भी अगर आप करना चाहें
तो हमारे इस मंच के माध्यम से कर सकते हैं, जिन्होंने व्यवस्था को सुधारना है। सरकार किसी की भी आए, लेकिन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। प्लीज गुरु जी, हम सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं, हमारे प्रबंधक जी भी यहाँ मंच के माध्यम से भी यह मांग किए हैं कि ये प्रबंधकीय जो विद्यालय हैं, ये संस्था, क्योंकि प्रबंधक के पास कोई अपना कोई फंड नहीं होता, बच्चों से ही विकास के नाम पर जो पैसा लिया जाता है उसी पैसे से इसकी जो मरम्मत कराई जाती है या इसका निर्माण कराया जाता है, उसके लिए कुछ व्यवस्था जो है यह होनी चाहिए कि धन आवंटित हो जिसमें कि इसका भी पुनर्निर्माण किया जाए। तो या अच्छा, हमारे यहाँ जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में बच्चे गरीब परिवार के आते हैं, हम उनसे अधिक फीस जो है नहीं ले सकते, इसलिए जितनी फीस लेते हैं उसमें इस प्रकार के निर्माण क्रमशः धीरे धीरे ही कराने पर होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार सीधा सरकार से बोलिए। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी इस तरह के विद्यालय हैं, अनुदानित विद्यालय हैं, स्वित्तविहीन के या स्वित्त पोषित या अशासकीय विद्यालय हैं, ऐसे भी विद्यालयों में अपना सहयोग करना चाहिए। हम यही चाहेंगे कि जब धन का, जैसे परिषदीय विद्यालयों में धन आवंटित होता है, उसी प्रकार से धन आवंटित यहाँ भी हो कि इससे इसका जो है सुधार किया जा सके। ये लगातार हम कहते रहे समान शिक्षा का अधिकार। समान शिक्षा की बात हो रही थी और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम। गुरुजी, आपने बेबाकी से और बिना डर के आपने अपनी बात रखी, सरकार में रहते हुए आपने अपनी बात रखी। आपकी आपकी चिंता, आपकी पीड़ा साफ दिखाई दे रही है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, आगे कैसे ये डॉक्टर, इंजीनियर, नेता और कैसे ये पत्रकार बनेंगे, आप सोचिएगा। और आगे अपनी आवाज़ को बंद मत होने दीजिएगा, हो सकता है आपके इस कारण आपकी तनख्वाह 2-4 महीने के लिए बंद हो जाए, ये भी तैयार रहिएगा आप। हम तो वैसे भविष्य आपके हाथ में है। नहीं नहीं सर, इस तरह से बात जो है उठाने के कारण या सही काम करने के कारण ही हमारा तो साल भर का वेतन रुका रहा, मैनेजमेंट ही हमारा साल। देखिए, ये आपने मुझे बताया नहीं, पर मैंने आपको फिर बता दिया कि आपको तैयार रहिएगा। नहीं नहीं, हम बता दे रहे हैं, हमारा तो साल भर का वेतन अभी भी जो है उस एरियर के रूप में नहीं मिला, हम तो मांग कर रहे हैं बराबर, तो ऐसी बात नहीं है। हम सही काम करते हैं, सही काम करने की अपेक्षा भी रखते हैं और प्रयास भी करते हैं, उसके लिए दंड भी भोगने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी भी जो है जानते हैं, उनसे भी जो है पूर्व जो है कार्यकाल में जो है बात हुई है, तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग आयोग से आए हैं, पीड़ा को समझते हैं। कंपटीशन देने के बाद जिस तरह से हमारी जो है इच्छा रही कि मैं जाऊं और अपने अंदर जितने भी गुण हों, उन गुणों का, उन कौशलों का हम जो है बच्चों में वितरण कर सकें और उनको उस योग्य बना सकें जितना संभव हो सके, लेकिन परिस्थितियां हैं, वातावरण है, देश काल है, उसके हिसाब से हम जो है कहीं ना कहीं विफल पा रहे हैं तो दुखी हैं। चलिए चलिए गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप इसी तरह से बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें और अपनी पीड़ा को हमेशा उठाते रहें और डरिएगा नहीं, ठीक है, एक स्तंभ आपके साथ है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के लिए वो बड़ी खबर नहीं, हम लोगों के लिए खबर है। जी जी, आप अच्छा लगा कि आप जो है हमारे भौतिक या धरातलीय जो है व्यवस्था को देखें, इसको उठाए और निश्चित रूप से कहीं से न कहीं से इसको प्रकाश मिलेगा, हमारी ये व्यवस्था बदलेगी, मैं इस आशा के साथ आप लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारी एक मुहिम है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की, जो ग्राउंड ज़ीरो से हम लगातार आपको तस्वीर और बानगी दिखाते हैं। हमारा मकसद उन नेताओं के शोर के गुल के बीच में आपके एजेंडे और आपके हित की खबरों को छिपाना नहीं है, इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल रहे, ये भी हमारी एक मुहिम का हिस्सा है। समान शिक्षा का अधिकार, ये न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की मुहिम है। समान शिक्षा का अधिकार, रोजगार, यही हमारा एजेंडा और इसी एजेंडे को लगातार आपसे वादा है, हम ग्राउंड जीरो से इसी तरह की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।